नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में और मैं हूं लवकुश मिश्रा। आज हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करेंगे। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था अवतल के लिए, लेकिन आज हम यहां पे उत्तल के लिए अपवर्तन के सूत्र सिद्ध करेंगे। तो चाहे वह अवतल हो और चाहे उत्तल, दोनों के लिए जो अपवर्तन का फार्मूला होता है वह एक ही होता है, लेकिन सिद्ध करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा भाई फिगर बदल जाएगा, और फिगर बदला तो जो रूल हैं वो सिस्टम बदल जाएंगे, लेकिन फार्मूले जो बनते हैं वो एक ही होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहां देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गोलीय उत्तल पृष्ठ है, तो एक उत्तल पृष्ठ का निर्माण करेंगे इस तरीके से। ये उत्तल पृष्ठ बन गया। अब ये इधर पूरा ये जो भाग है ये कांच का बना हुआ भाग है ये पूरा, और यहां पे इसका एक अपना कोई केंद्र होगा जिसे हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और इस पृष्ठ पर यहां पे कोई ध्रुव होगा पोल, और इस ध्रुव को P से प्रेस करेंगे। यहां पर वक्रता केंद्र को C से, और अगर हम P और C को इस तरीके से मिला दें ऐसे, ठीक है ना, तो आप जानते हैं ये मुख्य अक्ष बन जाता है। अब हम कोई यहां पे बिंदु वस्तु लेते हैं, एक बिंदु वस्तु का निर्माण करेंगे ओ, और ये यहां से एक किरण उठती है और इस पृष्ठ पर आपतित होती है ऐसे। यहां पे पड़ती है। अब आप जानते हैं कि अगर ये यहां पे पड़ेगा तो ये आपतित किरण जहां पे पड़ती है वहां पर आपतन बिंदु होता है, और इस आपतन बिंदु के इस पूरे पृष्ठ पर यानी यहां पे कर्व ऐसे खींचे तो इसका पॉइंट यहां मिलेगा, तो यहां पे हम एक अभिलंब डाल देंगे, यानी आपतित किरण जहां पे ये पड़ती है वहीं पे लंबवत पृष्ठ के एक अभिलंब होता है। तो चलिए हम लोग अभिलंब ऐसे खींच दे रहे हैं यहां पे, यहां पे अब ये जाके पॉइंट सी पर मिल जाता है। ओके, समझते रहे कि पॉइंट। अब आप जानते हैं कि जो किरण है ये आपतित किरण है। अब ये वायु से जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा तो आप जानते हैं कि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा, थोड़ा सा ये सीधे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगा इससे। ऐसे झुक जाएगा, मतलब इसको सीधे जाना चाहिए था, ये अभिलंब की ओर झुक गया। अब इस अपवर्तित किरण को अगर हम पीछे बढ़ा दें ऐसे, इस तरीके से अगर अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं, ठीक है, यहां पर अपवर्तित किरण को मैंने पीछे बढ़ाया और ये पीसी एक दूसरी अपवर्तित किरण है, और पीसी को पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को यहां पे आई पर काटेगा। अगर इस पॉइंट का हम लोग नाम रख दें कैपिटल ए, ठीक है, तो ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और आप जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण आई बनता है, क्लियर है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण बनता है, इसे स्मॉल आर से। दूसरी चीज, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यहां पे काट रही है, तो अगर ये वाला कोण आर है तो ये वाला भी कोण आर हो जाएगा, प्रमेय आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो ये किरण और ये किरण जो मैंने बढ़ाया, ये और ये,
इन दोनों के बीच अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा आर, ये भी हमारा बन जाएगा आर। समझ लीजिएगा, ये किरण पीछे और ये किरण दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित रेखाएं दिख रही हैं, तो अगर ये वाला आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अब इस वाले कोण को ये अल्फा मान लेते हैं, इस वाले कोण को मान लेते हैं बीटा, और इस वाले कोण को मान लेते हैं गामा। क्लियर है, यहां पे मैंने इन सभी के नाम रख दिया। अब देखिए बिंदु ए से इस पर लंब डाल दे रहे हैं ऐसे, और इस पॉइंट पे जो लंब गिरा है उसका नाम यम रखेंगे। इसके बाद हम लोग दूरियों को देखेंगे, दूरियां। अब इसमें दूरियां कहां से कहां लेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, समस्त दूरियां ध्रुव से आपतित की जाती है, तो ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को यू से, अब चूंकि आपतित किरण के विपरीत है इसलिए इसका चिन्ह माइनस कर देंगे। फिर ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी से, आपतित किरण के विपरीत दिशा में इसलिए इसका भी चिन्ह माइनस करेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर से, और इसका चिन्ह आपतित किरण के दिशा में है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे हमारा ये सभी तैयार हो गया। अब यहां पे ये सरफेस यस वन यस टू, इधर का भाग पी के इधर कांच है और पी के बाईं ओर वायु है। अगर इस वायु का अपवर्तनांक एन वन मान लें और इस कांच का एन टू, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए यस वन पी यस टू में, यानी लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ माना माना गोलीय पृष्ठ यस वन पी यस टू में। क्लियर है, अब इनकी दूरियां आप मान सकते हैं कि माना ध्रुव से वस्तु की दूरी पीओ बराबर माइनस यू, माना ध्रुव से वस्तु की दूरी पीओ बराबर माइनस यू। ओके, फिर देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी आई माइनस वी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर माइनस आर। ओके, अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें अगर स्नेल के नियम से बात करें स्नेल के नियम से, ये जब मैंने किरण यहां पे एक बिंदुवस्तु ओ लिया था तो यहां पे जब ये किरण गई थी ये जब किरण गई यहां पे
तो इस किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना था? आई। तो यहां पे अपवर्तनांक को स्मॉल यन से और स्नेल का नियम वस्तु के यानी आपतित किरण के साथ आई और अपवर्तन कोण के साथ जो कोण बना वो आर बना। ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब अगर हम इस गोलीय एकांकी गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, अभी इतना बड़ा लिए ना, इसको बहुत छोटा कर दे तो ये जब किरण आपतित होगी ना, तो ये किरण कहां आपतित होगी? पी के बहुत नजदीक। ऐसी स्थिति में ये जो आई और आर जो कोण बनेंगे बहुत छोटे बनेंगे। जब आप समझ ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई भी गोली पृष्ठ बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो उसमें जो कोण बनेंगे वो भी बहुत छोटे बनेंगे। तो हमारा गणित का नियम कहता है कि यदि, पहले लिखेंगे, यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो साइन आई बराबर आई कामा साइन आर बराबर आर। तो यहां पे लिखेंगे आई अपान आर, मतलब कि साइन आई के स्थान पे आई और साइन आर के स्थान पे आर, तो ये मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तिर्यक गुणा आर का अगर एन में कर देंगे तो ये मिल जाएगा आई बराबर एन इंटू आर। यहां पे हमें समीकरण मिल गया दो। अब हम लोग फिर चित्र से देखेंगे। यहां पे देखिए प्यारे बच्चों, इस चित्र में कुछ त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं जो कि बहिष्य कोण का प्रमेय लगेगा। जैसे देखिए, अगर हम सबसे पहले ये त्रिभुज ले, त्रिभुज ए ओ सी में यहां लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में अगर बात करें तो सबसे पहले ए ओ सी ऐसे बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, और इसकी एक भुजा को ऊपर बढ़ा देते हैं ए ओ सी। अब ओ ए और ये वाली यहां पे जो इसका नाम रख देते हैं क्यू, ये क्यू है, तो ये कितना कोण बना रहा है? अल्फा। ये है ऑलरेडी गामा, और इस रेखा से ये वाला जो ये रेखा गई, ध्यान से देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा के बीच कौन सा कोण बना है? आई, यहां आई। तो कल मैंने बताया था, यानी पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था, वीडियो लेक्चर 29 में मैंने वहां पे बताया है कि यदि किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कि किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, एक भुजा को बढ़ाने पर बहिष्य कोण सुदूर अंतः कोणों की योग के बराबर होता है, यानी आई बराबर हो जाता है अल्फा प्लस गामा। तो यहां पर यही रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहां पे आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ओके। अब इसी में ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए आई सी में, त्रिभुज ए आई सी में
आर बराबर, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा के बीच कोण कौन सा कोण बना है, आर, आर बराबर बीटा प्लस गामा। यहां लिखेंगे आई और आर का मान समीकरण दो में रखेंगे, दो में आई की वैल्यू यहां पे रखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा प्लस गामा एन इंटू आर की वैल्यू इनपुट करेंगे बीटा प्लस गामा। अब यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एन की इसमें गुणा एन बीटा प्लस एन गामा। ओके, एक काम करेंगे प्यारे बच्चों कि ये गामा को इधर ले जाते हैं और एन बीटा को इधर ले आते हैं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा और ये इधर आएगा तो माइनस एन बीटा इज इक्वल टू एन गामा माइनस गामा। यहां से अगर हम ये गामा कॉमन ले लें तो हमारे पास मिलेगा अल्फा माइनस एन बीटा बराबर, ये गामा कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा एन माइनस वन इंटू गामा और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला इसमें जो सिस्टम चलेगा, यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो अल्फा बीटा गामा का मान हम यहां से देखे लेंगे त्रिभुज ए एम ओ में, आपको समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये मैंने लंब डाल दिया था तो यहां से 90 अंश कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे हम कुछ थ्योरी लिखते हैं और इसमें लिखेंगे कि जब क्योंकि जरूरत है हमें ये अगर पृष्ठ का द्वारक हम इसको छोटा कर दें, ये अगर पृष्ठ का द्वारक छोटा हो जाए तो इस स्थिति में ये पृष्ठ का द्वारक, ध्यान दीजिएगा ये द्वारक अगर छोटा हो जाएगा ना तो ए कहां चलाएगा, पी पर, और जब लंब डालेंगे ए से तो यम भी कहां रहेगा, पी पर। ऐसी स्थिति में इस गोली पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तो यहां पे हम कहेंगे कि जब जब गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में जरा समझिएगा यम ओ बराबर हो जाएगा पीओ, यम ओ बराबर पीओ और पीओ के बराबर हो जाएगा माइनस यू, फिर यम आई बराबर पी आई और पी आई बराबर माइनस वी, यम आई बराबर पी आई और पी आई बराबर माइनस वी। फिर देखिए यम सी बराबर पी सी और पी सी बराबर आर, एम सी बराबर पी सी या पी सी बराबर आर। अब आगे देखते हैं टैन लेंगे इसमें तो टैन अल्फा बराबर अल्फा, टैन अल्फा बराबर अल्फा,
टैन बीटा बराबर बीटा, टैन गामा बराबर गामा। तो यहां तक आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम यहां पे इरेज करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लेंगे त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में टैन अल्फा बराबर टैन लंब आधार इस कोण के सामने, यानी अगर यहां पे ये वाला हम बना दें ए यम ओ अल्फा, इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं, एच, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा, ये आधार का। तो अगर टैन लिया तो टैन लंब आधार, लंब की वैल्यू ए एम, आधार यमओ, ठीक है। और आप जानते हैं कि टैन अल्फा जो यहां पे ए एम है, ए एम बराबर एच, यमओ बराबर मैंने माना है यमओ बराबर पीओ, और पीओ के स्थान पे माइनस यू। और आप जानते हैं कि टैन अल्फा बराबर अल्फा होता है, अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू। फिर यहां पे हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ए एम आई, ए एम आई में टैन लंब आधार ये हो जाएगा माइनस वी, ठीक है, डायरेक्ट रख रहे हैं। चलिए थोड़ा इसमें यहां पर रख देते हैं यम आई, ठीक है, और यहां पर रख देते हैं ए एम, क्योंकि टैन लंबा आधार, समझ रहे हैं ना। यहां देखिए ए एम आई में ये बीटा, इसके सामने वाला ये हो गया लंब, और यम से आई तक आधार, ठीक, और टैन बीटा के स्थान पे बीटा, ए एम के स्थान पे एच, यहां देखिए यम आई बराबर पी आई, और पी आई के स्थान पे माइनस वी, यानी यम आई के स्थान पे लिख सकते हैं माइनस वी, माइनस वी। अब हम अगला त्रिभुज ले ए एम सी में टैन गामा बराबर टैन लंब आधार, ए एम आधार की वैल्यू यम सी, टैन गामा, ए एम की वैल्यू एच, एम सी देखिए एम सी बराबर पी सी, और पी सी बराबर आर, और यहां पे हम केवल टैन गामा के स्थान पे गामा। अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इसमें देखिए जरा ध्यान समझिए, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान समीकरण तीन में रखिए, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण तीन में, ओके। और यहां देखिए अल्फा की वैल्यू क्या निकाले हैं, ये है एच अपान माइनस यू, ठीक है, माइनस एन बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है एच अपान माइनस वी, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एच अपान आर, यहां से एच एच कामा ले लेते हैं, तो वन अपान माइनस यू,
ये माइनस माइनस प्लस एन अपान वी बराबर एन माइनस वन इंटू एच अपान आर, ये एच से एच कैंसिल, इसे पहले लिख देते एन अपान वी माइनस, ऊपर नीचे माइनस उड़ा दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, वन अपान वी बराबर एन माइनस वन अपान आर। यहां देखिए ये हो जाएगा समीकरण चार। अब देखिए ये जो समीकरण चार बना है यह है हमारा उत्तल गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, तो इसी चीज को हमें सिद्ध करना था। अब हम अभी हमने बताया था कि यदि ये वायु जो है पहले माध्यम से प्रकाश एन वन माध्यम से प्रकाश किरण कहां जा रही है एन टू माध्यम में, तो क्रिया क्या होगी इसके लिए अब हम बात करेंगे। पदार्थ का अपवर्तनांक, तनांक वन एन टू, यानी जो हमारी अभी किरण आप देख रहे थे वो पहले माध्यम से यानी एन वन माध्यम से एन टू माध्यम में, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे अगर इस चीज को लिखें तो इस चीज को लिख सकते हैं एन टू बटे एन वन, क्योंकि ये किसी के सापेक्ष नहीं है इसलिए निरपेक्ष बोला जाता है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो वहाँ पे माध्यम रखा हुआ था वो एन वन से एन टू में जा रहा था, इसलिए समीकरण चार में जहाँ एन है वहाँ पे हम लिख सकते हैं वन एन टू। समीकरण चार में या समीकरण चार से यहाँ लिखेंगे वन एन टू अपान वी माइनस वन अपान यू, यहाँ पर भी लिखेंगे वन एन टू माइनस वन अपान आर। अब इस वन एन टू बराबर एन टू बटे एन वन, एन टू क्या है यहाँ पे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एन वन क्या है पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसके स्थान पे लिखेंगे एन टू अपान एन वन और इसका बटा वी माइनस वन अपान यू, यहाँ पर भी एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान आर। अब इसका बटा कुछ नहीं, एक अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, तो ये हो जाएगा एन टू बटे एन वन वी माइनस वन अपान यू, यहाँ से एलसीएम लेंगे एन वन नीचे चलाएगा तो ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन बटे एन वन इंटू आर, यही है हमारा फार्मूला दो माध्यमों के लिए। अगर दो माध्यम आ जाएं, मान लीजिए वन के स्थान पे वाई ए हो सकता है और इस दो के स्थान पे जी हो सकता है ग्लास, तो उसके अनुसार हम वहाँ पे चेंज कर लेंगे। और यही हमारा जो समीकरण पाँच है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है, इस चीज़ को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ और आप इसे अगर मॉडिफाई करना चाहें तो जैसे यहाँ एन वन दिख रहा है एन वन से भाग दे दीजिए, चलिए एन वन से गुणा कर देते हैं, एन वन से गुणा करने पर एन वन का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये एन वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन टू बटे वी, इसमें करेंगे माइनस एन वन अपान यू, यहाँ पे करेंगे एन वन कैंसिल तो यहाँ मिलेगा एन टू माइनस एन वन अपान आर, ये है ओरिजिनल फार्मूला। तो चाहे इसको अप्लाई करिए इसको, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है।